हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टेटमेंट। और चैप्टर आपका चला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें आपको मैं बात करा रहा हूँ टू इवैल्यूएट 1.80 एक्सएम। मींस को भी आपको नीचे फंक्शन दिया होगा, उसको आपको एक्सएम की पावर दी होगी, मतलब एक्स में कोई पावर दी होगी, आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस एक चीज़ और बता दूँ, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के चैनल पर पढ़ाई जाती है, बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी सेकंड ईयर के बीटेक के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, तो आपको अगर उसके व्हाट्सअप पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट करना है 9411009110। ओके ठीक है, तो बराबर में थोड़ा वर्क कर रहा है कंडक्शन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगी कैसे आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नॉर्मली मैं समझाता हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको सी एफ निकालना नहीं आता। सी एफ देखो, बिना सी एफ के क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, उसकी रूट्स निकालना पूरा समझना वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता रखा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके फर्स्ट पार्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से, सी एफ एंड पी आई वहाँ से सीख सकते हैं। तो लिखेंगे, तो डायरेक्ट में बता रहा हूँ, द इक्वेशन कैन वी रिटेन एज, कैन वी रिटेन कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन के लिए। देखो, एक मैंने आपको बताया था कि डी ओवर डी एक्स इक्वल टू किसमें चेंज करते हैं, डी में। देन ये डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा डी स्क्वायर, और बाई आपका स्टेज आएगा माइनस फोर डी बाई प्लस फोर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस कॉस टू एक्स। ओके, देन डी स्क्वायर वाई है, तो वाई को क्या है, हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई आपका कॉमन आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस कॉज टू एक्स। वाई को यहाँ से जीरो कर देते हैं, तब निकालते हैं था ऑक्जिलरी इक्वेशन, क्यों, अब मैं सी एफ फाइंड करना होता था, तो ऑक्जिलरी इक्वेशन। ऑक्जिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे आप, डी को हम चेंज करते हैं किसमें, एम में, तो एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर एम माइनस फोर इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अभी सर हम इतने पार्ट पे बात करते हैं, देन एम स्क्वायर माइनस फोर एम माइनस फोर कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका फॉर्मूला बनना है, सॉरी ये प्लस फोर है, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस फोर, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एम माइनस टू का होल स्क्वायर, मतलब एम स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एम, तो एम माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तब यहाँ से एम की वैल्यू कितनी निकल आएगी, एम एम माइनस टू एम इक्वल टू और एम माइनस टू, मतलब इसको दो बार हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन m बराबर क्या होगा, 2,2, इसका सी एफ क्या होगा, मतलब रूट्स आपके सेम है एंड इक्वल है, तब सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर एम वन एक्स, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम वन एक्स, एम वन एक्स का मतलब 2x। ओके, यहाँ से हमारा सी एफ क्लियर हो गया, हमको फाइंड करना होता है पी आई, तो लिखेंगे फाइंड पी आई। पी आई निकालने के लिए पी आई इक्वल टू वन अपॉन एफ डी, एफ डी मतलब जो आपकी इक्वेशन है, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर इंटू जो आपकी वैल्यू दे रखी है वो आपकी पी आई की वैल्यू। तो पी आई की भी सब चीज़ें इससे पहले मैंने आपको काफ़ी क्लियर कर दी, वो आप चेक आउट वीडियो कर सकते हैं। तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का ई एक्स प्लस का कॉस टू एक्स, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ जगह पर बायनोमियल यूज़ करनी होगी, कैसे करेंगे, बी आई इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, अब इसमें सीधे हमको अलग अलग वैल्यूज ले लेनी है, तो ई की पावर है सॉरी एक्स स्क्वायर, एक बार एक्स स्क्वायर के साथ ले लिया फंक्शन पूरा, तो डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर प्लस ई की पावर एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर आ गया, प्लस कॉज टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर। तो इसके कॉस टू एक्स का मैं समझा दी, ई एक्स का समझा दी, इसमें बात करेंगे एक्स स्क्वायर, यही आपको एक्स एम की पावर है, तो एम की पावर का यही आपको सॉल्व करना सीखना है। तो इसके लिए क्या करता हूँ, सीधा थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पे वैल्यू वन है, तो सीधा मैं आपको वन पुट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या निकालते हैं, डी की वैल्यू ए मतलब वन। ओके, तो अपॉन वन पुट कर दीजिए, वन माइनस फोर प्लस फोर प्लस, यहाँ से आपको क्या होता है, डी स्क्वायर इक्वल टू, सब चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है, माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है पर टू, तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा माइनस फोर, ठीक है, डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा माइनस फोर, तो प्लस कॉस टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर डी प्लस फोर, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपको भी एस्टेज रहने देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस फोर से फोर कैंसिल अब बना जाएगा, प्लस यहाँ से फोर फोर कैंसिल, कॉस टू एक्स अपॉन माइनस फोर डी,
ओके तो एक्स स्क्वायर अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन फोर डी। अब वन अपॉन डी, ठीक है, वन अपॉन डी का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, और डी का मतलब क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, दोनों फर्क है, आप दोनों को अच्छे से सीखना है, ठीक है। ये आ गया कितना आपका प्लस वन आ गया, ये आपका माइनस, तो इस वाले फंक्शन को देखिए, इस वाले फंक्शन को सॉल्व करने के लिए डी का मतलब इंटीग्रेशन बता दिया मैंने, तो माइनस वन अपॉन फोर ने कॉम भाग ले लिया, कॉस टू एक्स का क्या करना है इंटीग्रेशन, कॉस टू के डी इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टू एक्स, ठीक है, और इसका जो टू लगा हुआ है वो क्या आपके अपॉन में नीचे आ जाता है, तो ये टोटल कितना निकल कर आ गया वन अपॉन एट साइन एक्स। ओके इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू, इसको ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा डी माइनस टू का होल स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू, क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक चीज़ इसमें और करते हैं हम कि डी माइनस टू है हमके फंक्शन बनाना होता है, देखिए बायनोमियल थ्योरम क्या होती है आपकी, वन प्लस एक्स लगाएं चाहे वन माइनस एन एक्स में लगाएं, तो वन माइनस एन एक्स को और होल लगाते हैं, ठीक है, वन प्लस एक्स मान लो कोई भी दे रखा होगा फंक्शन एन में, तब आपको होगा वन माइनस एन एक्स सॉरी वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू, डेड एस चलता रहता है। ओके तो आपको सिंपली करना क्या होता है कि इसको वैल्यू वन प्लस एक्स या वन प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में बनाना होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ से मैं क्या करता हूँ टू कॉमन ले लूँगा, तो अंदर कितना बचेगा आपका, देखिए यहाँ से माइनस के टू कॉमन ले ले रहा हूँ, तो कितना बचा वन माइनस डी वाई टू प्लस वन, और ये आपका कितना माइनस वन वाई एट साइन एक्स। ओके और सॉरी इसके साथ ई की पावर एक्स भी चल रहा है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ओके तब यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस टू है, इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस टू तो आपको कोई दिक्कत नहीं, नीचे रहने दीजिए, और एक्स स्क्वायर को मैं सीधा कहाँ ले गया ऊपर आ गया, और ई हो जाएगा वन माइनस डी बाई टू का होल माइनस टू, ऊपर जाके घात चेंज हो गई, प्लस सी की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एट साइन एक्स, क्लियर है। अब ये तो आपका बाहर चल रहा है, देखिए यहाँ से मैंने अगर टू का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ से अगर मैंने टू कॉमन लिया तो अंदर जाके बाहर आके कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिए, जहाँ यहाँ से मैंने टू का कॉमन लिया है तो अंदर आके बाहर आके फोर हो जाएगा। ओके देन यहाँ से आपको सीधी बायनोमियल यूज़ कर लेनी है, कैसे कि वन माइनस, ठीक है, माइनस से माइनस रहेगा, वन माइनस एन एक्स होता है फॉर्मूला, वन माइनस एन एक्स, अगर प्लस है तो प्लस, बनना है तो माइनस एन एक्स, तो वन माइनस एन एक्स से माइनस का भाग लेके आएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, वन माइनस एन की वैल्यू टू है यहाँ पे, कितनी एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू डी वाई टू हो गया, वन प्लस एन, एन का मतलब माइनस टू, माइनस टू माइनस वन, एन एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स, एक्स मीन्स डी वाई टू सॉरी एक्स का स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई टू। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है डी के साथ जो स्क्वायर करने पर कितना हो चेंज हो सके, बाहर आपका कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर, मतलब ई वाला एक्स स्क्वायर, और यहाँ तक आपका सोल्व हो जाए प्लस ई एक्स माइनस वन बाई एट साइन एक्स, क्लियर है। देखिए नॉर्मली आपके हाथ से समझा दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और जब डी वाई टू इसके साथ है तो एक्स स्क्वायर एक बार साथ आएगा तो टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन एक्स का दो बार, कितना एक बार करेंगे तो आपका टू एक्स हो जाएगा, अगली बार करेंगे आपका टी टू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक ही सॉल्व होगा, उसके बाद आप टू से टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ भी कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, और टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली यहाँ कितना वन बचेगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डी क्यू अगर आप करेंगे आगे ले जाके आएंगे, अगर बायनोमियल थ्योरम को आगे लेके जाएंगे तब आपको ओनली क्यू हो जाएगा, क्यू जो कि डी में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आगे नॉर्मली आप सीधा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, पी आई बराबर कितना चला है आपका वन बाई फोर, ओके एक्स स्क्वायर मतलब वन की जगह प्लस टू एक्स आ जाएगा और टू बचेगा ओनली, और प्लस थ्री बाई फोर टू, ओके प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन बाई फोर चल रहा था इंटू साइन टू एक्स बाई टू, ओके मतलब सीधा एट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपकी आ गई है पी आई की वैल्यू। देन कंप्लीट इक्वेशन क्या होती है, कंप्लीट इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इक्वल टू सी एफ की वैल्यू लगा दीजिए प्लस पी आई की वैल्यू ये वाई लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि टोटली मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ।
तो इस टाइप के टोटल क्वेश्चन इस टाइप के, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर दें या सीधा मेरे को व्हाट्सअप 9411100 पर मिल सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के टोटल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बाइनरी थ्योरम आपको कैसे यूज़ करना सब हमने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीज़ समझाऊंगा कैसे कौन सा नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है, तो थैंक्स।